गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज आपको चैप्टर नंबर 12 की 12.9 एक्सरसाइज हमारी चल रही है, उसमें कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो अलग हटके हैं, उनको पढ़ाया जा रहा। तो क्वेश्चन नंबर आता है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में इफ 1 GM G, GM means geometrical mean, geometric mean होता है GM का मतलब, and 2 AMs, AMs का मतलब है arithmetic mean, P and Q to be inserted between any two numbers, then show that, यानी G तो है हमारा geometric mean किन्हीं भी दो नंबर का, और P और Q उन दो नंबर के बीच में आने वाले अर्थमेटिक मीन है, तो हमें ये टर्म प्रूव करनी है। लेट टू नंबर्स ए एंड बी, दो नंबर मान लिया हमने ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो जी है वो हमारा ज्योमेट्रिकल मीन है, इसका मतलब तीनों नंबर जीपी में होंगे। जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, जब तीन नंबर जीपी में होते हैं तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर ए और बी की मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। ऐसे ही हमने मल्टीप्लीकेशन बन गया भाई, ए और बी के बीच में पी और क्यू अर्थमेटिक मीन है, तो इसका मतलब ये एपी होगी। तो इसमें हमने कॉमन डिफरेंस लिखा, T2 upon T1, T3 upon T2, T4 upon T3, ये है अगली टर्म में से पिछली टर्म को घटा के कॉमन डिफरेंस इक्वल वाला कॉन्सेप्ट एपी का लगाया। तो अब इसमें पहले दो हम एक साथ लेंगे, पी माइनस ए इज इक्वल टू क्यू माइनस पी, तो ये माइनस का पी इधर से उधर चला गया, ये हो गया 2p, ये जो प्लस का क्यू है ये उधर चला गया, माइनस का क्यू हो गया, माइनस का ए है इधर आके प्लस का ए हो गया। ऐसे ही हमने लास्ट की दो टर्म ले ली, कौन कौन सी, क्यू माइनस पी, बी माइनस क्यू, ये जो माइनस का क्यू है ये उधर चला गया, तो 2q - p = b, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन होगी, ये थर्ड इक्वेशन होगी। अब हमने क्या किया, फ्रॉम 2 and 3 यानी सेकंड और थर्ड इक्वेशन है, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन सेकंड, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की वैल्यू ये रखी, बी की वैल्यू ये रखी, और ये हमारी टर्म प्रूव होगी, हैंस प्रूव, यही प्रूव बना। अब क्वेश्चन नंबर 37 पे आ गए, बीच के जो क्वेश्चन है रिपीट हो चुके, ये इनके मेथड पहले बता रखे, आप उनको सुन करेंगे, जो अलग हटके क्वेश्चन वो चल रहे। क्वेश्चन नंबर 37, इफ ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी जीपी में है, प्रूव दैट लोगे लोग बी लोग सी आर इन ए बी, ये आपकी बुक में गलत दिया हुआ है, यहाँ जी भी लिखा हुआ है, आप इसको लिखेंगे ए बी, यानी कि लोग ए लोग बी लोग सी ए बी में प्रूव कर रहे हैं, ए बी सी आर इन जी पी, तो ए बी सी जब जी पी में होते हैं, ए बी सी जब जी पी में होते हैं तो हम क्या करेंगे, कॉमन रेशो वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जब जी पी है सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, अगली टर्म को पिछली टर्म से डिवाइड करना, तो हमारा बी अपॉन ए सी अपॉन बी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ का लॉग लेंगे, लॉग बी स्क्वायर इक्वल टू लॉग ए सी, जब मल्टीप्लीकेशन में लॉग होता है उसमें प्लस आ जाएगा बीच में, लोगे प्लस लोग सी, और जब पावर में लोग में पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो टू लोग बी इज इक्वल टू लोगे प्लस लोग सी।
सेक्शन तब आती है जबकि क्रम ए बी में होती है। तो लोगे, लोग बी, लोग सी और फिर ए पी, क्योंकि ए पी का नियम है बीच वाली जो क्रम है जैसे कि लोग भी है उसका डबल यानी कि उसका ट्वाइस, उसका ट्वाइस करेंगे और फर्स्ट और थर्ड क्रम के टोटल के इक्वल होनी चाहिए क्योंकि बीच वाली क्रम इन दोनों क्रम का अर्थमेटिक मीन होती है। दैट्स प्रूव, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप अपने मोबाइल को अपनी आंखों से 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखकर पढ़ेंगे। थैंक यू।